दिल्ली उसके बारे में, आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जिसके बारे में स्टूडेंट्स हैव सो मेनी क्वेश्चंस राइट फ्रॉम द प्लेसमेंट राइट फ्रॉम द प्रोफाइल्स एंड दैट व्हाट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज आरशी एंड वी विल स्टार्ट विद द हाइलाइट्स राइट. तो सिंपल सी चीज़ है, 237 सीट इनटेक है, 1993 का कॉलेज है, इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, PGDM ऑफर करता है, AICT है, AIU है, NBA का अक्रेडिटेशन है और उसके अलावा मैं सीट इनटेक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये कई सारी रैंकिंग्स हैं जिसमें आता है, सारी प्राइवेट रैंकिंग्स हैं. अगर आप कंसिडर करना चाहो तो आप इन रैंकिंग्स के बेसिस पे देख सकते हो, बिकॉज कई सारी रैंकिंग्स के बेसिस पे आई थिंक दिल्ली में टॉप 5, then top 5 private B schools in Delhi, and in India में भी top 5 में आता है and all that. तो बहुत सारी category में top 10 में भी आता है. तो अगर आपको लगता है तो आप इसके basis पर देख सकते हैं. collaborations की मैं बात करूँ तो ये international collaborations हैं when it comes to Thomas Jefferson University, USA, University of Toledo, USA, EM Normandia, France, right? Marist College USA for the student exchange program, right? Admission process 50 percentile in your graduation, किसी भी entrance के basis पे apply कर सकते हैं, interview होता है and then उसके basis पे selection होता है. तो admission process बहुत difficult नहीं है, I think 10 में से 9 बच्चों का admission हो जाता है when it comes to APJ द्वारका. तो I think इसको ज़्यादा discuss करने का sense नहीं है, but you can just have a look जहाँ पे ये personality assessment test को PAT को 35% weightage देते हैं, जिसमें GD पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट होता है, 10% वेटेज टू द जी डी, देन 20% फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड 5% फॉर द वैट, राइट. अगर हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें विच इज़ कैट, मैट, सी मैट, जैट, एटमा, जी मैट, तो उसके बेसिस पे ये 35% वेटेज जो है वो एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, राइट. प्रीवियस एजुकेशन 15%, 10-12 ग्रेजुएशन 10% का टोटल वेटेज है, डाइवर्सिटी वर्क एक्सपीरियंस 15% का एंड ऐसे 100% का वेटेज है. प्रोग्राम इनटेक PGDM 120 राइट एंड दिस इज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, देन PGDM मार्केटिंग 30 सीट्स राइट. फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टोटल फीस है अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं दैट इज 8,50,000, और अगर आप FNPIOGQ से हैं देन 9 लाख का आपको पड़ता है फी स्ट्रक्चर. सो सिंपल सी चीज़ें 8,50,000 विद हॉस्टल, आई थिंक अगर आप 3 लाख के हिसाब से देखें तो 11.5 लाख के आसपास आपको पड़ेगा. प्लेसमेंट्स में अगर मैं बात करूँ 21 की तो 7.2 का एवरेज डोमेस्टिक बोल रहे हैं, मीडियन पैकेज ऑफर्ड इंटरनेशनल 10 लाख, हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक 19, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इंटरनेशनल 17 एंड 118 स्टूडेंट्स वर प्लेस आउट ऑफ 227-228. सो टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 10% इज लाइक 11 लाख, टॉप 20% 14, टॉप 10% 17 एंड इंटरनेशनल आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस एंड दीज आर दी रिक्रूटर्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. मैं कंक्लूड करूँगी, अगेन आई एम टेलिंग यू आमन सी, अगर आप सारे ही कॉलेजेस की वेबसाइट के हिसाब से एडमिशन लेने लगे राइट, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने आई थिंक GD गोइंग का पे वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ एंड कॉलेज जैसा आप बता रहे हो उससे बहुत अच्छा है. देखो सिंपल सी चीज़ है, एवरीबडी इज़ हैविंग देयर मार्केटिंग टीम्स राइट. तो कई सारे कॉलेजेस की कॉलेज के रिव्यूज़ में कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हो या कूरा पे देख रहे हो, देयर इज़ नो ऑथेंटिसिटी कि वो बच्चा सही में स्टूडेंट है या खुद कॉलेज का फैकल्टी है या कॉलेज का ही कोई प्रमोटर है. तो कॉलेज की वेबसाइट से अगर आप देखो यार, तो ऑब्वियसली 7.5 लाख का पैकेज, आई मीन 8-8.5 लाख की फीस में बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, मतलब इससे अच्छा ऑप्शन में मिल ही नहीं सकता, मतलब ROI अगर आप फीस के हिसाब से कंपेयर करोगे. बट क्या सही में 7.2 का पैकेज मिलता है? बिकॉज मैं जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में मैंने स्टूडेंट से बात की, इंटरव्यूज लिए, कम्युनिकेट किया, लिंक्डइन पे रीच आउट किया, वहाँ पे मैंने ऑन एंड ऑन देखा कि 6-6.5 लाख का एवरेज पैकेज इन रियल आ रहा है, स्पेशली जिन कॉलेज जो Tier 2 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं उनमें से कुछ कॉलेजेस में 80-90% प्लेसमेंट है, कुछ कॉलेज में जो है ये भी स्लाइटर जो है वो कम साइड पर. तो सिंपल सी चीज़ है कि ये जो दिख रहा है वो तो ठीक है, दिख रहा है तो आई थिंक टॉप 10% में तुम रहोगे तो 11 लाख, मतलब आई थिंक सॉरी टॉप 50% में अगर रहोगे, मतलब अगर आप 100 बच्चे हैं
टॉप 100 बच्चे में हो एपी जे द्वारका में, तो आपका 11 लाख का एवरेज पैकेज है। तो यार और क्या चाहिए यार, बच्चा टॉप 50 परसेंटाइल में तो इजीली आ सकता है, टॉप 20 परसेंट में हो, मतलब अगर आप 40 बच्चों में हो तो 14 लाख का एवरेज पैकेज है। मतलब इस तरह के स्टैट्स हैं रिक्रूटर्स में, बैंकिंग में, HDFC, RBC, कोटक, ICICI, ऑल दीज बैंक्स, ई कॉमर्स, अमेजोन, नौकरी, Better.com, DotPay, Grofers, PhonePe, IndiaMART Consulting, Deloitte, KPMG, EY, Right, Fidelity, Genpact, Moody's, FMCG, I mean, you'll find all the top brands and companies. So I'm just wanted to say there's fluctuation in the average packages. Marketing के लिए आप देख सकते हो, बाकी specializations के time पर आपको specific होना है, because specialization wise भी colleges vary कर रहे हैं। अगर आप बच्चों से reach out करना चाहते हो, उनसे बात करो, discuss करो, फिर admission लो, right? Because देखो अभी आप 8 की जगह 9 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो, बट दोबारा 8 लाख 7 लाख आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और यही सारी चीज़ें सोच समझ के आप कहीं ना कहीं इनरोल करोगे तो आपके लिए वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन फिल अप द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म एंड यू कैन रीच आउट टू द स्टूडेंट। दीज आर द फैसिलिटीज विच इज़ ऑफर्ड बाई द स्टूडेंट एंड दीज आर द फ्यू फैकल्टीज व्हेन इट कम्स टू द्वारका, APJ द्वारका, राइट? तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.